क्या गुजरेगी दिल पर बंदे साथ किसी का छूटे तो, ये जीना फिर कैसा जीना, अपना कोई रूठे तो। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने नाता जो मुझसे तोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर, और मैं हूं विपिन यादव। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्लास में। मेंसुरेशन चल रहा है, ये आपके यूपी पुलिस आरपीएफ और एसएससी जीडी के लिए। और जहां तक कि आपको पता है, इससे पहले क्लास 7 तक हो चुका था, ये 8वां क्लास है आपके मैथ का। तो आइए शुरू करते हैं। और एक बात, अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो नीचे में लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उस बटन को दबा लीजिए। बगल में बेल आइकन आएगा यानी घंटी आएगा, उसे भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जितने भी वीडियो डालता हूँ, सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, कोई भी वीडियो आपको छूटेगा नहीं। शुरू करते हैं आज के सवाल को। और सबसे पहला सवाल आपके सामने, और मैं यहाँ सवाल अपने फ़ोन में देखता हूँ और आप यहाँ डिस्प्ले पर देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन कहता क्या है ज़रा देखा जाए। 17 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था, 18वां क्वेश्चन है आपके सामने। प्रश्न कहता है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। यदि दोनों विकर्ण में से एक की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या है? बड़े इत्मीनान से और ढंग से पढ़ना है, सीखना है, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये कहता क्या है? एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज कैसे होता है? पहले तो मान लो कि कोई वर्ग होगा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आपको पता है वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है। इस वर्ग के दोनों कान को पकड़ के ऐसे खींचिएगा ना कि समचतुर्भुज बन जाएगा। वो कैसा हो जाएगा देखिए, जरा ऐसा हो जाएगा। अगर कान को पकड़ के इसको खींच देंगे, समचतुर्भुज बन गया। और यानी भुजा की लंबाई इधर जितना था उतना ही इसके भी भुजा की लंबाई वही रहेगा। हाँ, विकर्ण थोड़ा अलग अलग हो जाएगा, है कि नहीं? ये विकर्ण दोनों बराबर होता है, लेकिन इसमें ये विकर्ण बड़ा हो गया, ये विकर्ण छोटा हो गया। सवाल कहता है, एक समचतुर्भुज की परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यदि दोनों विकर्ण में से एक की लंबाई 12 है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। अच्छा, परिमाप है 40, परिमाप 40 मतलब चारों भुजा 10-10 होगा। समचतुर्भुज का मतलब है चारों भुजा समान होना चाहिए, तभी तो वो समचतुर्भुज होगा। ध्यान देंगे, चारों भुजा 10-10 हो गया तब तो 10 × 40। एक विकर्ण दिया है 6, एक विकर्ण दिया है 12, तो 12 दिया है तो मान लेते हैं इसको 6। याद रहे दोस्तों, समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर दो भाग में विभाजित करता है। मतलब कि अगर ये विकर्ण 12 था तो यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 6, और इस विकर्ण की लंबाई यहाँ से यहाँ तक जितनी होगी उतनी ही लंबाई यहाँ से यहाँ तक की भी होगी। तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, ये 10 हो गया। अब एक बात आपको याद रखना है कि समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर भी काटते हैं, यानी यहाँ पर कोण 90 डिग्री बनेगा। याद रहे, एक भुजा ये आपको 6 पता चल गया, ये कोण 90, ये कोण 90, ये कोण 90, ये कोण 90। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा। समचतुर्भुज के या वर्ग के भी दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब कि 90 डिग्री पर दो बराबर भाग में काटता है। ध्यान दें, अगर ये भुजा 6 है, ये भुजा 10 है, अगर ये त्रिभुज बन रहा है, 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होता है। कोई त्रिभुज अगर होगा तो किसी त्रिभुज में जानते हैं 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक कर्ण हो गया, एक को आप आधार मान लो, ये कर्ण आपको पता है 10,
ये आधार 6 तो आप लंब निकाल सकते हो। कैसे भाई? तो कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा दीजिएगा, 10 के स्क्वायर 100, 100 में से 36 गया तो 64, यानी बचा 8, यानी ये वाला 8 निकल गया। ये भुजा 6, ये 10, यहाँ 90 डिग्री का कोण, तो ये कर्ण हुआ। ये त्रिभुज में कर्ण, आधार और इसको लंब मान लेते हैं, तो ये आपका 8 हो गया। और आप जानते हो कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब यहाँ से यहाँ जितना होगा उतना ही यहाँ से यहाँ होगा, तो इधर 8 हो गया तो इधर भी 8 हो गया। यानी दूसरा विकर्ण जो हुआ, दूसरे विकर्ण की लंबाई 8 × 2 बोल सकते हैं 16 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर कहेंगे, मीटर में रहेगा तो मीटर में कहेंगे, यहाँ तो सेंटीमीटर में था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। उस सबसे बड़े बांस की छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इस कमरे में पूर्णतः रखी जा सकती है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अनेकों बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, है बहुत आसान क्वेश्चन, बट ये कई बार आप एक कमरा है, एक कमरा, एक घर, एक घनाभ के आकार का है। दोस्तों घनाभ के आकार का होता है, तो घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का जो विकर्ण होता है, ध्यान दीजिएगा, घनाभ का विकर्ण कैसे, मतलब इस कोने में एक बांस का सिरा रखे और सीधा इस कोने तक पहुंचा दिए। यानी अगर किसी कमरे में आप रह रहे, किसी घर में आप रह रहे, उसमें बड़ा से बड़ा बांस आपको रखना है, तो आपको कैसे रख पाएंगे आप? आप क्या करेंगे कि उस घर के नीचे वाले एक कोना में बांस का एक सिरा सटा देंगे और दूसरा सिरा छत के उस सामने वाले कोना में, ये सबसे बड़ा बांस रखा जा सकता है, या उधर से भी आप शुरू कर सकते हो। तो यही हो गया विकर्ण घनाभ का। तो कमरा एक घनाभ ही हो गया, तो इसके विकर्ण पूछा जाए तो आप जानते हो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, अभी देख लीजिए। बांस की लंबाई, किसी घर में बांस रखना है, यानी बांस की लंबाई जो होता है, छड़ की लंबाई कहेगा, बांस की लंबाई कहेगा, वो घनाभ का विकर्ण ही होता है। लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर। अब देखना है कि कमरा जो है कितनी लंबी, कितनी चौड़ी और कितनी ऊंची है। यहाँ पर दिया है सवाल में आपको 5 मीटर चौड़ा, तीन कहता है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 5, 4, 3 है, 5 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर। चलिए ये हो गया आपका 25, 16, 41, 9, 50, यानी रूट अंडर हुआ सब जोड़ के 50। 50 को तो जानते हो ना, 25 × 50 होता है, 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा बाहर में, 2 बेचारा अंदर रह जाएगा। अब 5√2 मीटर कह सकते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में दिया हुआ था, तो मीटर में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। चलिए हमारा आगे प्रश्न है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है, जिसकी भुजाएं 6:5 के अनुपात में है, पाई का मान 22/7 लेते हुए आयत द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना होगा? जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार को, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार को, एक वृत्ताकार तार है और इस वृत्त का व्यास दिया है 42, तो व्यास है 42, तो एक बात बताइए त्रिज्या 21 होगा कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक 42 है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 21 होगा ना, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, व्यास का आधा कितना होता है? त्रिज्या होता है। अब सवाल ये कहता है कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार तार को एक आयत के रूप में मोड़ दिया जाए। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार तार को, तार कौन है? ये वाला जो घेरा देख रहे, यही तार हो गया। तो ये कितना लंबा है, यानी ये तार की लंबाई अगर निकालनी है, तार की लंबाई, तो आपको परिधि निकालना होगा, क्योंकि यही ना वृत्त बना है, तार वृत्त बना है, यानी परिधि बन गया है वो तार। तो आप अगर परिधि की लंबाई निकाल लेते हैं तो आप निकाल लिए तार की लंबाई। तो आप जानते हो 2, अब पाई का मान 22/7 होता है, अब बोला भी है 2πr, r के जगह हम त्रिज्या यानी 21 रखेंगे, 7 से 21 को काटेंगे 27। अब ये आपका रहने दीजिए, गुना भी कर सकते हैं, 22 × 3 = 66, 2 × कितना हो गया 66, तो 60 × 120, 6 × 12 132।
60 × 120 और 6 × 12 और जोड़ दिए 132। सवाल ये कहता है यानी कि अगर ये सेंटीमीटर में था यानी 132 सेंटीमीटर लंबा ये आपका है क्या तार। सवाल कहता है कि इसको आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी भुजा 6:5 में है तो आयत का आयत द्वारा घिरा क्षेत्रफल कितना होगा। इस तार को आयत के रूप में मोड़ना है मतलब अब फिगर ऐसे बना देना है, यही तार को ऐसे बना देना है और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे दिया है। अच्छा ये तार कितना लंबा है तो पता है 132 सेंटीमीटर। अब आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बोलता है सवाल 6:5 में। तो एक काम करिए 132 ये क्या है तार की लंबाई यानी अब ये आयत का परिमाप होगा। ये तो वृत्त की परिधि था यही ना आयत का परिमाप बनेगा तो ये दोनों में एक सटा देना है और आयत के फॉर्मूला लिख लेना है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का फॉर्मूला होता है सॉरी आयत के परिमाप का फॉर्मूला और परिमाप कितना 132 दोनों परिमाप इसलिए आपस में बराबर 2 से 132 को काटेंगे तो 66 बार में कट जाएगा। अब 6×5 कितना हो गया 11 एक्स बराबर कितना 66 11×6=66 एक्स का वैल्यू 6 एक्स का वैल्यू 6 तो यहाँ 6×1=36 और 6×5=30 यानी कि 36 है इसकी लंबाई चौड़ाई है 30 तो क्षेत्रफल पूछा था हाँ लंबाई गुने चौड़ाई कर देंगे 36 × 108 है 10 और तो इतना वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर वर्ग किलोमीटर में कहेंगे तो चलिए और आयतन रहता तो मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में होता है। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 21 नंबर किसी आयताकार भूखंड की परिमाप 64 मीटर तथा भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर 8 मीटर है तो भूखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान दीजिएगा किसी आयताकार भूखंड के परिमाप 64 मीटर है आयताकार भूखंड के परिमाप कितना है 64 मीटर और लंबाई चौड़ाई में अंतर 8 मीटर का है। आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई और जबकि परिमाप दिया है 64 2 से 64 को काट सकते हो 32 बार में L+B बराबर हो गया आपका 32। ये समीकरण एक हो गया। अब सवाल ये कहता है और कहता है उनकी लंबाई चौड़ाई में अंतर है 8 मीटर का यानी कि लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना का 8 मीटर का। ये दूसरा समीकरण अगर दोनों को जोड़ते हैं तो बी प्लस में बी माइनस में 0 हो गया ये 2 × L हुआ इधर 32 × 8 कितना हुआ 40 2 से 40 कटा तो 20 बार में L का वैल्यू 20 हो गया यानी लंबाई 20 हो गया। आपसे पूछता है भूखंड की लंबाई ज्ञात करिए यही तो हो गया 20। अगर ये मीटर में रहेगा तो मीटर में सेंटीमीटर में रहेगा तो सेंटीमीटर में कहेंगे यहाँ पर मीटर में है तो मीटर में आंसर बोलेंगे। चौड़ाई पूछता तो लीजिए दोनों का योग 32 है 20 घटा देते 32 में से 12 निकल जाता चौड़ाई। अगला सवाल है आपका एक वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल 3850 वर्ग मीटर है एक जॉगिंग ट्रैक की परिधि क्या है। आ जाइए एक वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल है 3850 वर्ग मीटर एक जॉगिंग ट्रैक की परिधि क्या है उसकी परिधि पूछा है। एक वृत्ताकार जॉगिंग ट्रैक है इस पर आदमी टहलते हैं दौड़ते हैं और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल है 3850 वर्ग मीटर तो क्षेत्रफल तो होता है भाई पाई आर स्क्वायर वृत्त का। अब वृत्त का जब क्षेत्रफल पता है और क्षेत्रफल कहा है 3850 वर्ग मीटर पाई का मान होता है 22/7 ये हो गया आर स्क्वायर बराबर 3850 22 से काटिएगा 175 बार में कट जाएगा आर स्क्वायर बराबर हो गया 175 × 7 ये 7 भाग में उधर गया गुना में। अब आर बराबर होता है रूट अंडर 175 को आप 7×35×75 लिख सकते हैं और ये वाला 7 आ गया। अब आर बराबर देखिए 2 × 7 है 1 × 7 बाहरा 2 × 5 है 1 × 5 बाहर 7×35 त्रिज्या 35 हो गया। सवाल कहता है उसकी परिधि बताइए ट्रैक की परिधि परिधि क्या होता है पता है परिधि होता है 2πr यानी कि r गुने 44/7 कहाँ से 22/7 रखिए ना तो 22 × 44/7 हो गया। अब ये r का वैल्यू हमें पता है 35 तो 35 × 44/7 7×35 4×20 4×20 और 2×22 220।
चलिए देखते हैं अब अगले सवाल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों 23 नंबर सवाल है, यदि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दे, चौड़ाई 10% कम कर दे तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आयत की लंबाई 10% बढ़ा दे, सॉरी 20% बढ़ा दे, चौड़ाई 10% घटा दे। आयत की लंबाई 20% बढ़ा दे, चौड़ाई 10% घटा दे, इसको कमी कर दे, इसको वृद्धि कर दे, प्लस में या माइनस में, सवाल कहता है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको बताया था मैंने पीछे की भी क्लास में कि जब एक ही वस्तु पर लगातार दो बार घटना घटेगा तो ए बी फार्मूला लगेगा। ए बी फार्मूला होता है भाई साहब ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से ये प्लस माइनस हो जाता है, यानी कि अगर वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस होता है। ध्यान देंगे, पहले है 20% वृद्धि तो ये का मान हुआ, 10% कमी तो ये बी का मान हुआ, ये माइनस के साथ जाएगा। 20% वृद्धि यहाँ रखिए 20% प्लस में, आई 10% कमी है तो माइनस 10। अब देखिए ये प्लस में आई माइनस में गुना होकर यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस 20 गुने 10 अब बट्टा में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, अब 20 में से 10 गया, 10 माइनस 2 एकाई 2 हो गया 8, 8% जो आया ये आपका प्लस में कि माइनस में, प्लस में, यानी कि यहाँ पर वृद्धि होगा आयत के क्षेत्रफल में 8% का। अगर ये माइनस में आता तो कहते कि कमी हुआ। तो चलिए दोस्तों, क्या आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और एक बात मैं आपको ज़रूरी बात बता दूँ, अभी फिर मैंने चार ग्रुप अभी फुल हो जाने के बाद जिनको भी अभी पेड वाला क्लास जो मेरा चलता है वो पेड वाला क्लास अभी एक महीने के लिए पूरा फ्री चलेगा, एक महीने के लिए फ्री चलेगा। तो जो भी पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया था व्हाट्सएप का लिंक इसलिए मैं देता हूँ कि उसमें टाइम टू टाइम आपको हम PDF प्रोवाइड करवाते हैं, और दूसरी बातें कि आपके व्हाट्सएप पर लिंक जाता है जिसके वजह से आप वो लाइव क्लास देख पाते हैं। तो चलिए आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दे दे रहा हूँ, अगर आप जल्दी इस वीडियो को आप पहले देखे हैं और अगर फुल नहीं हुआ है ग्रुप तो ज्वाइन कर जाइए। और फिर आपको शाम में 5 बजे शाम में प्रतिदिन क्लास होगा, केवल संडे को बंद। तो शाम 5 बजे आपके व्हाट्सएप पर लिंक मिलेगा, जिस लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट लाइव देख पाएंगे और आपके पास क्वेश्चन भी होगा, मैं एक एक चीज़ यहाँ बेसिक के साथ पढ़ाऊंगा। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है व्हाट्सएप का नंबर। हाँ एक बात और, एक गलती मत कीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति किसी एक पेड क्लास में जुड़ गए हैं, ये चौथा क्लास है, ये चौथा व्हाट्सएप का ग्रुप है, तो अगर किसी में भी आप जुड़े हुए हैं तो इसमें मत जुड़िएगा, मतलब दो गो ग्रुप में आपको जुड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, केवल एक ग्रुप में जुड़ना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और पूरे आप एक महीना यहाँ फ्री क्लास करेंगे, पेड वाला क्लास का भी मजा लेंगे, फ्री क्लास तो चलता ही है, पेड क्लास का भी मजा ले लीजिए, एक महीना फ्री देख लीजिए क्या है उसमें। थैंक यू।